तो दोस्तों लावा की तरफ से एक नया फोन लॉन्च हुआ है, A7 टॉर्च। जी हाँ, ड्यूअल कलर यहाँ पे आपको एक फोन मिल जा रहा है। कुछ इस तरह से बॉक्स का पैकेजिंग है, नया ये फोन आया हुआ है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू वगैरह करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अभी मिनिमम फोन में नहीं देता है, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले बॉक्स को खोल लेते हैं, उसमें बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या एसेसरी वगैरह मिल जाएगा आपको। बॉक्स खोलते ही देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं नॉर्मल सा चार्जर वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं चार्जर दिया हुआ है, लावा की तरफ से ओरिजिनल चार्जर है, तो इसी से आप अपना फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में आपको एक बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि बड़ी सी बैटरी है, 2575 mAh का बैटरी दिया हुआ है, जो देख सकते हैं 3.7 वोल्ट का आपको बैटरी मिल जाएगा, जो कि बैटरी क्वालिटी भी इसका मुझे अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ़ोन की, तो देख सकते हैं फ़ोन का कुछ इस तरह से लुक और डिज़ाइन दिया हुआ है। पीछे साइड में आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, एक फ्लैश लाइट दिया हुआ है और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। फुल्ली देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का ये दिया हुआ है, देख सकते हैं प्लास्टिक का है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। साइड में आपको देख सकते हैं एक टॉर्च जलाने के लिए आपको स्विच बटन दिया हुआ है, जिसको आप ऑन ऑफ ऊपर नीचे करेंगे तो टॉर्च वगैरह आपको डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते हैं। बटन्स की बात करें तो बटन्स का क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगा, बटन्स वगैरह भी बहुत अच्छा। और ऊपर में देख सकते हैं कितना बड़ा सा आपको एक देख सकते हैं टॉर्च लाइट दिया हुआ है। जी हाँ, अंधेरा में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा टॉर्च लाइट है। मैं टॉर्च लाइट भी आपको जला के दिखाऊंगा कितना इसका लाइट वगैरह ज़्यादा है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें आप दो सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 128 GB तक का मेमोरी कार्ड इसमें सपोर्टेड है। सिम की बात करें तो जियो छोड़ के वोडाफोन और एयरटेल आप इसमें लगा सकते हैं। ये कोई 4G फोन नहीं है, ये नॉर्मली एक कीपैड फोन है, ठीक है। नया लॉन्च हुआ था तो सोचा आपके संग शेयर कर दूं। तो चलिए फोन को करते हैं स्टार्ट, पहले रैप को हटा देते हैं, उसके बाद करते हैं बात आगे कि फोन में और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं फोन कुछ इस तरह से डिजाइन है, चले पहले इसको लगा लेते हैं, बैटरी वगैरह लग गया है कुछ इस तरह से। डिस्प्ले भी बड़ी सी दिया हुआ है, देख सकते हैं 1.78 इंच का आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे फोन में आपको बटन्स वगैरह है जो बहुत ही स्मूथ काम कर रहे हैं। और साइड में देख सकते हैं टॉर्च वाला जो मैंने बोला था, तो आपको इसको ऐसे ओपन करिएगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से टॉर्च का जो देख सकते हैं पावर कितना ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टॉर्च वगैरह का सिस्टम बहुत ही अच्छा दिया हुआ, आपको बटन से ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, साइड में ही दिया हुआ है तो आप इसमें कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कॉल लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। इसमें आप कम मिनिमम 1000 जो है इसमें आप अपना फ़ोन बुक में नंबर वगैरह सेव कर सकते हैं। कैलेंडर वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फाइल मैनेजर है, 128 GB तक का मेमोरी इसमें सपोर्टेड है। गेम्स वगैरह भी आपको अलग से दिया हुआ है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सुपर बैटरी मोड भी दिया हुआ है, जिसको आप ऑन करके अपना बैटरी मोड ऑन कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं। फ़ोन सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं सब टाइम वगैरह लगा सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आपको देख सकते हैं सब वॉलपेपर वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर टॉकर मतलब जब आप डायल करेंगे तो नंबर बोल के यहाँ पे बताएगा, तो वो भी आप इसको ऑन कर सकते हैं या जरूरत ना हो तो इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फोन सिक्योरिटी लॉक भी दिया हुआ है और ऑटो कीपैड लॉक वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूअल सिम का भी ऑप्शन है, इसमें फ्लाइट मोड का भी ऑप्शन है। जी हाँ, बाय चांस आपका फोन वगैरह फ्लाइट मोड करना है तो यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं। ब्लूटूथ दिया हुआ है, देख सकते हैं ब्लूटूथ का 5.2 का वर्जन दिया हुआ है, इसमें आप वीडियो प्लेयर वगैरह चला सकते हैं। अलग से टॉर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कैमरा की बात करें देख सकते हैं कैमरा भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मिनिमम देख सकते हैं कैमरा भी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है, लेकिन आपको इसके लिए मेमोरी कार्ड आपके फोन में लगाइएगा तभी जाके आप कैमरा वगैरह यूज कर पाइएगा। कैलकुलेटर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, अलार्म वगैरह आप लगा सकते हैं। इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा लाउड है, मुझे इस क्वालिटी अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग, इसके लिए आपको पहले मेमोरी कार्ड इसमें लगाना पड़ेगा। वायरलेस FM भी आप इसमें इजिली चला सकते हैं, ठीक है। और FM का क्वालिटी भी अच्छा है, जो रेंज वगैरह है FM का वो भी अच्छा से पकड़ रहा है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो फोन जो है छोटा फोन अगर कोई यूज करता है उसके लिए अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छा है, माइक का क्वालिटी अच्छा है, कॉलिंग वगैरह आप जब करते हैं आपको माइक क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैटरी स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि आपका बैटरी कितना दिन और चल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें वाइब्रेशन वगैरह तो इसमें आपको मिल ही जाएगा, वाइब्रेशन भी अच्छा है, आपके पॉकेट वगैरह में वाइब्रेशन होता है तो आपको समझ में आ जाता है। फ़ोन की बात करें तो फ़ोन जो अभी लॉन्च हुआ है वो मिनिमम आपका 1400 या 1500 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। एक साल का वारंटी के संग आपको ये आता है लावा की तरफ से, और बहुत ही हार्डी सेट है। अगर आप छोटा फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये नया न्यूली जो लॉन्च हुआ है फ़ोन लावा का, वो आप परचेस कर सकते हैं या तो ऑफलाइन से करिए। मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर छोटा फ़ोन हमेशा ऑफलाइन से ही परचेस करिए, आपको कम प्राइस में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।